सागर जिले के गढ़ाकोटा में गुरुवार की दोपहर सुनार नदी में एक लाश मिलने से नगर में सनसनी फैल गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मामला सागर जिले के गढ़ाकोटा का है, जहां नदी में तैरती हुई लाश मिली। इस व्यक्ति की पहचान भगत सिंह वार्ड निवासी बबलू अग्रवाल के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगलवार शाम दर्ज करवाई गई थी, जिसके दो दिन बाद खबर मिलने पर मृतक के परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी और हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शाम के 7:30 बजे गुम हो गए जी। कौन? थोड़ी बजे जी। फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट की। हाँ। उसके बारे में ये कहाँ से जानकारी मिली कि नदी में फोन गया था एक किसी का कि मतलब यहाँ पे कोई लाश तैर रही है बोल के। यहाँ तो आप लोग देख लो किसी की, ऐसा ना हो तो हम लोग दौड़ते आए तो देखा तो यहाँ वही थी। अब क्या चाहते हो आप लोग? जैसा जहाँ पता चल जाए कहा ऐसे करो। सुना नदी में क्या मामला है? हाँ जी, अपने गढ़ाकोटा का श्रीकांत अग्रवाल है। वो बाजार में नारियल की दुकान खोली हुआ था। तो 23/3 को 7:30 बजे घर से बिना बताए गायब हो गया था, जिसका शव आज बड़े पुल के नीचे मिला हुआ है। इसकी पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और पंचनामा कार्रवाई के उपरांत जांच की जा रही है।